सो सुबह 8 बजे से मैं पैकिंग कर रही हूँ और मैं एकदम मेनियाक जैसा पैकिंग करती हूँ. एकदम OCD है मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट और ऐसे कंट्रोलिंग बिहेव करती हूँ जब भी पैकिंग की बात आती है, और मुझे पैकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है. अभी पूरा मुझे कपड़े सारे पैक करना है, यहाँ पे सारे बैग्स हैं. सिर्फ 1 वीक के लिए आए थे हम लोग और इतने 3 बैग्स है, और आधा सामान मैंने एक्चुअली गाड़ी में ऑलरेडी लोड कर दिया है. एक्चुअली उसके पीछे एक रीज़न है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे आ रहे थे इसलिए 3 बैग्स नहीं है. वो रीज़न आपको आगे के वीडियोस में पता चल जाएगा. बट जो मेजर अभी पैकिंग है वो मेरा अभी स्टार्ट हो रहा है, और ट्राई करती हूँ मैं आपको दिखाने का कि मैं कैसे पैक करती हूँ. कभी तो मैं ऐसा एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी कि मैं कैसे मेरा सारा सामान पैक करती हूँ. सो सुला ने हमें कुछ गिफ्ट दिए थे वहाँ से निकलते टाइम पे, तो इसे भी मुझे अभी अनबॉक्स करना है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्या क्या है इसमें. जाओ नहाने है जल्दी. कितना बजे निकलना जरा, अब कितने बज रहे? 12 बज रहे. ऑलमोस्ट डन हो गया है अभी पैकिंग. और बाय द वे ये जो मेरा टी शर्ट है ना, ये आपको वीडियो में बहुत पुराना लगता होगा, जो अभी फ़िलहाल मैंने घर पे डाला हुआ है, ये इनका टी शर्ट है. और जो नीचे मैंने पैंट भी डाला हुआ है पजामा, वो भी उनका ही है. एक्चुअली इस पर होल भी हुआ है, बट मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कि इसे निकालने का मुझे मन ही नहीं करता है. और हमेशा एवरी टाइम ऐसा एक नाइट ड्रेस तो मेरा, या फिर घर पे पहनने के कपड़े तो होते ही है कि जो ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, फेक ही देने चाहिए, बट मैं वो उसको फेंकती ही नहीं क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता है. सो ऑल सेट, एकदम ही रेडी हूँ मैं. आज मेरा सब कुछ मैचिंग है, ये मैंने कॉर्ड सेट डाला है, मेरा वॉच भी समवॉट मैचिंग है, मेरा रिंग रोज गोल्ड में है, तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैचिंग है. और मैं आपको मेरे सैंडल्स भी दिखाऊंगी, वो भी मैच कर रहे हैं. बाय बाय, ध्यान दो. बाय बाय बाबा. यस बाय बाय. पानी दिया उनको अभी? हाँ, पूरा पी डाला. बहुत ही होशियारी मार के आई को बोला कि हम लोग का खाना मत बना, हम लोग जल्दी निकल जाए. अभी भूख लग रहा है एकदम. क्या एकादशी है तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में भी दाना बटाटा करके होता है, हम लोग खाते हैं. बॉइल्ड होता है सब कुछ, तो हेल्दी भी होता है. हम लोग साबूदाना नहीं प्रेफर करते खाना. इनको और पापा को साबूदाना बिल्कुल नहीं पसंद है ना, मतलब साबूदाना वड़ा पसंद है, बट सिर्फ साबूदाना का खिचड़ी कम पसंद है. बट एक्चुअली साबूदाना ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि ऐसे जैसे पाव खाने के बाद लगता है ना, ऐसे पेट में बहुत ऐसे गंच भर गया हुआ है सब पेट. गंच को क्या मराठी बड़े गंच, हिंदी में जो भी बोलते हैं, डाइजेशन को भी इशू. हाँ, डाइजेशन को भी इशू होता है उसे. तो मेरा फेवरेट तो बगर है एक्चुअली, बासमती वाला बगर, और उसके साथ जो वरण बनता है वो भी मस्त, जो मैं आज शाम को बनाऊंगी. ये तू क्या, आज पूरा मैचिंग आई क्या? हाँ देखो ना, हाँ तेरा घड़ी भी मैचिंग, घड़ी मैचिंग, सैंडल मैचिंग, एकदम मॉडल बन के घूमती है तू. हाँ अच्छी लग रही है. फिर ऐसा लग रहा है एक दो दारू ही है. नहीं, हाँ गुजराती दारू. सीख गए. सो हमारा उपवास का खाना आ चुका है. मैंने साबूदाना खिचड़ी ऑर्डर किया है, जो नहीं खाना था वही, और आपका साबूदाना वड़ा जो नहीं खाना था वही, मतलब अच्छा लगता है, बट इधर का ओके रहेगा. वो चटनी जो रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है. सो गाइस, कल मैंने एक स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे, अभी मैं इसके बाद में प्ले करूंगा. तो वो एक्चुअली स्टोरी में बाबा उपमा में चाय डाल के खा रहे, मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई किया उन्होंने, क्योंकि वो प्राजक्ता माली के बहुत बड़े फैन है, और प्राजक्ता माली ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो ऐसा करती है. तो वो स्टोरी हम लोगों ने डाला, और प्राजक्ता माली को टैग भी किया था, बट उसने डायरेक्टली चेक नहीं किया. बट किंजल की एक फ्रेंड है, मधुरा नाम है उसका एक्चुअली, तो उसने ऐसा रिप्लाई किया कि प्राजक्ता को मैं जानती हूँ, तो मैं उसके वीडियो सेंड करती थी. तो उसने ऑडियो नोट भेजा बाबा को, तो बाबा बहुत खुश हो गए. मैं ऑडियो नोट भी प्ले करूंगा और वीडियो भी प्ले करूंगा. आता हा जो मेनू आहे ना, हा प्राजक्ताचा आवडता मेनू आहे. म्हणजे उपमामध्ये चहा टाकायचा, तर हा चहा आपला तयार आहे आणि हा उपमा तयार आहे.
आता मी याच्यामध्ये टाकतो. मला खूप आवडलं तिचं. शी आय एम फॅन ऑफ हर. ओके, आता चहा टाकलेला आहे. बघा आता तुम्ही हे कसं लागतं पाहा. उपमा विथ चहा. वा प्रजक्ता, एकदम एक्सलंट, व्हेरी नाईस. हाउ लवली. मला कधी वाटलं नव्हतं असं कोणी ट्राय करून बघेल. किती छान. थँक्यू सो मच सांग त्यांना. आणि तुम्ही इतक्या डिटेल बारकाईने सगळे इंटरव्ह्यूज फॉलो करताय बघून मला फार छान वाटलं असं हे कळव. थँक्यू प्राजक्ता भाई, आपने भी ऐसा व्हिडिओ का रिप्लाय भेजा. तो रिप्लाय केला आम्हाला खूप बरं वाटलं. बाबा तर खूप खुश झाले. अभी वो ऐसा एक मेरे को लग रहा है 100-200 बार तो सुन लेंगे वो ऑडियो मैसेज. सो स्वीट ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच. काश बाबा का रिएक्शन ले पाते ना. हाँ, अगर वहाँ पे नासिक में ही रहते तो रिएक्शन मिल जाता था. बट कुछ तो है काफी. वो थोड़ा सा लेट आया रिप्लाई, थोड़ा जल्दी आ जाता तो मिल जाता था. आज मैं कॉफी नहीं पी रही स्टारबक्स में आके. मुझे जो सीरियल है जो अगर तू नहीं पी रही तो मैंने मैकडॉनल्ड्स में जाना चाहिए. मंगा रहता है मैं. एक्सक्यूज मी, मंगा रहता है. मंगा. से इट अगेन. मंगा. कट्टी. कर लिया लंच बट इतना कुछ खास नहीं था. और एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा पिकी हूँ साबुदाना की खिचड़ी को लेके. मुझे एक पर्टिकुलर तरीके से ही उसका टेस्ट पसंद है. आपका साबुदाना वड़ा अच्छा था ना? ओके था. मतलब वही है, साबुदाना खिचड़ी और साबुदाना वड़ा का सीन ये है कि घर पे जितना अच्छा मिलता है ना उतना बाहर मैंने तो भी सायन तरह के अलावा किधर अच्छा नहीं खाया. तो मतलब हर जगह पे थोड़ा सा उसका स्वीटर साइड ही होता है, वो पसंद नहीं आता. हर 200 मीटर पे ये है अपना स्पीड ब्रेकर है. इरिटेटिंग कर दिया है. हाईवे को हाईवे नाम पे को दिया. वन लेन कर देते हैं. शांत हो जाओ. कंट्रोल उदय, कंट्रोल. पता नहीं कब जाने मिलेगा मावली फोर्ट में, क्योंकि हर बार जब हम लोग प्लान करते हैं हर बार कैंसिल हो जाता है. और अभी तो बहुत ज्यादा धूप है तो अभी तो पॉसिबल नहीं है. और होपफुली ये मॉनसून में हम लोग जा पाए. बाप रे, पूरा लिफ्ट भर के सामान है. अपन 2 दिन के लिए किधर जाए या 10 दिन के लिए किधर जाए, सामान कभी कम होता ही नहीं है. और 2 पार्सल भी आए. एक तो आई गेस कैप है और ये अपने फेवरेट मिसल वाले शॉप ने भी वापस ग्रेप्स भेजे और लिखा है ग्रेप्स अर्जेंट. प्रतीक ने भेजे अंदर जाके खुद से. थैंक्स प्रतीक. ये तो जल्दी खाना पड़ेगा ग्रेप्स. ये कैमरा है वो. हाँ, बट समझ नहीं रहा. बैक टू होम. अभी आके थक तो बहुत ज़्यादा गए हैं बट एक्चुअली हमारा वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुका है पूरा. तो अभी हम जा रहे हैं वॉशिंग मशीन देखने. उससे पहले जो 2 पैकेजेस आए हैं वो अनबॉक्स करने हैं. और ये सुला का पार्सल भी जो है वो अनबॉक्स करना है. तो क्यूट सा सुला का पाउच है. वाओ, कॉर्क है बेसिकली. कीचेन है कॉर्क का. आई एम नॉट श्योर ये क्या है बट मैं गेस कर रही हूँ कि अगर कॉर्क वाला बॉटल आपने ओपन कर दिया तो उस पर कॉर्क फिर से आप फिट नहीं कर सकते. तो आई थिंक उसके लिए ये वापस लगाने के लिए, बॉटल वापस बंद करने के लिए. बंद करने के लिए आई थिंक सो. अभी आई थिंक इसमें मेरे को लग रहा है कि कॉर्क स्क्रू ओपनर है. हाँ, मैंने खोल के देख लिया था. नाइस, ये नहीं था अपने पास. अच्छा, वो आ गया.
रखने के लिए ग्लासेस कोस्टर टाइप है और उसके ऊपर कुछ ये भी रखा है सुला के फैक्ट्स है कुछ तो नहीं सुला के नहीं इंडिया के फैक्ट्स है नहीं नहीं सुला के भी है वो ग्लासेस हाँ ग्लासेस है पीछे है ना फोटो आई लव इट वाओ बाप रे देखो कितने सारे किशमिश भी लिए ये ग्रेप्स भी यार हाँ ग्रीन ग्रेप्स थैंक यू सो मच प्रतीक आप हमेशा भेजते हो हम लोगों को कुछ ना कुछ ये हम लोग दो दिन में खत्म कर डालेंगे देख के ही बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे ग्रेप्स थैंक यू सो मच कोई तो वेट नहीं कर सकता खाने के लिए अच्छा ब्लैक दो ना मुझे एक ब्लैक ग्रेप ब्लैक बहुत मीठा है बाप रे मस्त आई इधर रहती तो मजा आ जाता चलो अपने को निकलना है फिर शॉप्स बंद हो जाएंगे प्रतीक ग्रेप ची टेस्ट एकदम मस्त है यानी पर्टिकुलरली जी ब्लैक कलर के ग्रेप्स है तो खूबस गोड है और गाइज अगर आपको ग्रेप एम्बेसी के बारे में नहीं पता तो मैं वीडियो यहाँ पे टैग कर देता हूँ जरूर चेक कीजिए अगर आप मिसल फैन हो और नासिक जा रहे हो तो पक्का आपको ट्राई करना चाहिए और गाइज आई होप आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं हम लोग लाइफस्टाइल वीडियोज ज्यादा से ज्यादा ला रहे हैं और अगर आपको ये टाइप के वीडियोज अच्छे लगते रहेंगे तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आपको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय गाइज़